हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल एज वेल। तो आज है मेरे डैड का बर्थडे और उसी के लिए आई वाज थिंकिंग कि कुछ ऐसा रिएक्शन करूं जो मतलब उन पे जाता हो, लेकिन ऐसा कोई गाना है भी नहीं जो डैड को ऐसे डेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज एक फरमाइश पे हम रिएक्ट करेंगे और उस पे बात करेंगे, और वो है चिड़िया दा चंबा सुरैया खानम एंड अनवर मकसूद, कोक स्टूडियो सीजन 8 से वो वाला गाना है चिड़िया दा चंबा। हम लोगों को पता है कि कब वो वाला गाना बजता है। एक्चुअली ये वाला गाना लाइक इट मीन्स अ लॉट टू मी एज वेल, एंड आई हैव लिसन टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ चिड़िया दा चंबा अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट ये कोक स्टूडियो सीजन 8 से चिड़िया दा चंबा मैंने कभी नहीं सुना। तभी मैंने सोचा कि क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं और डैड को डेडिकेट करते हैं ये वाला गाना। और मुझे अपने डैड से बहुत प्यार है, मुझे अपने पापा से बहुत प्यार है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और जबकि उनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डैड, आई रियली आइडलाइज यू इन एवरीथिंग। आपकी वो जो विल पावर, आपकी वो जो स्ट्रांग रहने की नेचर, आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स और आपकी जो ऑप्टिमिज्म में रहने वाली वो हमेशा वैसी मुस्कान, सारी बातें मुझे हमेशा इंस्पायर करती हैं। और आपको पता ही है कि यू आर माय आइडल एंड आई लव यू अ लॉट डैड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम बहुत सारे नए नए रिएक्शंस करते हैं। और चलो फिर चिड़िया दा चंबा स्टार्ट करते हैं और इस पे बात करेंगे बाद में। इसमें कैप्शंस हैं, ओरिजिनल सॉन्ग एंड कंपोज्ड बाय तुफैल नियाज़ी, लिरिक्स बाय इकबाल हैदरी। साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब रवे, साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब चंबा वे बाबला असा उड जाना, असा उड जाना साडा चिड़िया दा चंबा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस। बाबा जी आपका खत मिला, यूं लगा मेरे घर से कोई आ गया। आपका खत मेरे हाथ में है, ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। छोड़ना नहीं, दो दिन से यहां बारिशें हो रही हैं और मैं घर में बैठी हुई हूं। अपने घर में बारिश में कितना नहाती थी, अम्मा डांटती थी मुझे और मजा आता था। आसमान की तरफ देखकर कहती थी अल्लाह साहब और बारिश भेजो। याद है अब्बा जी, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, आपको मुझे स्कूल छोड़ना था, आपके साइकिल के पहिए की हवा निकल गई थी, वो मैंने निकाली थी। स्कूल नहीं गई और बारिश में नहाती रही। भाई हमेशा मुझसे लड़कर मुझे घर में ले जाता था और मैं रोती हुई आकर आपसे लिपट जाया करती थी। बाबा जी यहां कोई मुझसे लड़ता ही नहीं है, बहुत खामोशी। मैं तो आपकी लाडली थी, फिर मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया। अम्मा कैसी, किसको डांटती, चिड़ियों से बातें कौन करता है, बकरियों को चारा कौन डालता है, तुम्हारी पगड़ी में कलफ कौन लगाता है।
बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ, बाबूजी लिखा नहीं जा रहा। ओह माय गॉड, सॉरी गाइस। तुम सब बहुत याद आते हो, तुम्हारी लाडली। लाडली को खत क्यों नहीं लिखा? बहुत सारी बातें तुम्हें बताना, अम्मा से कहना अपनी हरी चादर तलाश करना छोड़ दे, वो मैंने चुपके से अपने बक्से में रख ली। जब अम्मा की याद आती है मैं वो चादर सूंघ लेती हूँ और यूं लगता है मैं अम्मा की बाहों में। तुमने जो कलम भाई के पास होने पर उसको दिया था वो भी मैं ले आई। अब भाई कलम ढूंढेगा तो मुझे याद करेगा। तुम्हारी टूटी हुई ऐनक भी अपने साथ ले आई। सारा दिन शीशे जोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ और तुम सामने बैठे रहती हो। बाबा जी इन्हीं बातों से तो मेरा दिन कट जाता है। बाबा जी मैंने कल रात एक ख्वाब देखा, तुम अम्मा भाई सहन में बैठे बहुत खुश नजर आए। जी मगर मैं उदास हो गई। आम के पेड़ पे जो मेरा झूला था ना वो नजर नहीं आया। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? उसे डलवा दो, मैं भी उसी झूले पर बैठती हूं और कच्चे आम तोड़ के खाने लगती। तुमने अच्छा नहीं किया बाबू जी, तुम्हारी लाडली। Wow. Finish. ये
जो गाना ना ये दिल को छूने वाला गाना है बहुत ज्यादा। और सॉरी मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे बहुत, जब वो यू नो लाइक अनवर मकसूद वो लेटर पढ़ रहे थे, यू नो लाइक एक बेटी की लेटर बाप के लिए, तो आंसू गिरने लगे। और ऐसा यू नो होता है, ऐसा होता है जब आप इतनी दूर होते हो अपनी मम से, अपने डैड से, आप इतनी दूर होते हो अपने बाबू से, अपनी माए से, यू नो हम माए बोलते हैं ना पंजाबी में, नी माए एंड वे बाबला। सो तो इमोशंस जो है ना वो अपने आप बहने लग जाते हैं। और इट्स बीन क्वाइट अ वाइल कि मैं भी बहुत दूर हूँ अपनी फैमिली से, आई मीन आई कैन रिलेट टू दैट स्टोरी हियर। एंड बहुत सारी चीजें हैं ना आई कुड रिलेट माई सेल्फ ऑल्सो, जैसे एक बेटी अपने बाप को लिख रही है कि यू नो आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया, आपने ऐसा क्यों किया, और मुझे आपकी याद आती है, और जो भी चीजें आपके घर में कुछ कुछ मिसिंग होंगी तो वो मैं अपने साथ ले आई हूँ, बिकॉज मुझे वो चीजें प्यारी थी और उन चीजों से आपको मेरी याद आएगी जब वो चीजें आप घर में ढूंढोगे, और मुझे तो आपकी याद आती ही है। बहुत अच्छा और बहुत इमोशनली ड्रिवन ये वाला गाना है। और हम सबको पता है कि चिड़िया दा चंबा इज इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे लोग गाते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये गाया भी है, पर ये वाली फॉर्म मैंने पहली बार सुनी है। ये जो खत पढ़ते हुए अनवर मकसूद एक बेटी का एक बाप के लिए, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सजेस्ट करने के लिए। ये वाली रिक्वेस्ट जो आती है ना जो मैंने नहीं देखी होती, और जब मैं उनको देखती हूँ तो मेरा मन भर आता है बहुत सारी चीजों में, और स्पेशली जब आप रिलेट कर पाते हो ऐसे गानों से। ये एक मास्टरपीस है और बहुत ब्यूटीफुल है। और मेरे डैड के जन्मदिन पे ये वाला गाना थोड़ा सैड हो जाएगा, लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू से कि थैंक यू डैड, आपने जो भी तालीम दी है, जो भी आपने मेरे लिए किया जिंदगी में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने डैड के लिए, अपनी मम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो इस वीडियो पे चिड़िया दा चंबा, देन प्लीज लाइक माय वीडियो और कमेंट करके बताइएगा आपको इस गाने में क्या अच्छा लगा और कौन सी स्पेशल वर्डिंग्स हैं जो आपको अच्छी लगी। मुझे तो ये पूरा खत बहुत अच्छा लगा, बहुत। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शंस हम करते हैं, नए नए रिएक्शंस करते हैं और आपकी रिक्वेस्ट कवर करते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। अंटिल देन देयर इज अ गुड बाय फ्रॉम मी। आई होप यू ऑल विल टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड ऑफ योर मम एंड डैड स्पेशली। बहुत ज्यादा प्यार करो उनको और बहुत ग्रेटफुल रहो अपनी जिंदगी में, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा इंस्पायर होते रहो अपनी फैमिली से, उनकी स्ट्रगल्स, और हमेशा कनेक्टेड रहो अपनी फैमिली से। और ये जो चिड़िया दा चंबा सुरैया खानम और अनवर मकसूद का फ्रॉम कोक स्टूडियो सीजन 8 वॉज, इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज द बेस्ट वर्जन दैट आई हैव हर्ड सो फार।